नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को सिंघाड़े को किस तरह उबालते हैं यह बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं सिंघाड़े को उबालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सिंघाड़े को उबालने के लिए हमें इन इन चीज़ों की आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार सिंघाड़े और आवश्यकतानुसार पानी। सबसे पहले कुकर लेकर कुकर में सभी सिंघाड़ों को डाल दीजिए। अगर आपने मेरे कुकिंग विद सविता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कुकर में सिंघाड़े डालने के बाद इस सिंघाड़ों में आवश्यकतानुसार पानी डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखना, सिंघाड़ों में पानी इतना डालना कि सभी सिंघाड़े अच्छे से पानी में डूबे। सिंघाड़ों में पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए और सिंघाड़े वाले इस कुकर को गैस पर रख कर तेज आंच पर 3 से 4 सीटी दे दीजिए। सिंघाड़े वाले कुकर की 3 से 4 सीटी देने के बाद गैस की आंच बंद कर दीजिए और कुकर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। कुकर ठंडा हो चुका है। अब इस सिंघाड़े वाले कुकर को खोल कर देख लीजिए कि सिंघाड़े अच्छे से उबल चुके क्या। सिंघाड़े अच्छे से उबल चुके क्या देखने के लिए एक चक्कू या चम्मच की सहायता से इस तरह देख लीजिए कि सिंघाड़े अच्छे से उबल चुके क्या। सिंघाड़े अच्छे से उबल चुके हैं। अब इन सभी सिंघाड़ों को एक प्लेट में इस तरह निकाल दीजिए। सिंघाड़े उबालने के इस तरीके के वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, इस तरह सभी सिंघाड़े अच्छे से उबल कर तैयार हो चुके हैं। इन उबले हुए सिंघाड़े का इस्तेमाल आप सब्जी बनाने के लिए या खाने के लिए भी इन सिंघाड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंघाड़े उबालने के इस तरीके को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इन उबले हुए सिंघाड़े को फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर रख सकते हो। तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। सिंघाड़े उबालने के इस तरीके के रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।